सीतापुर की इस धरती को जहां पर नेमिस जैसा तीर्थ है, 88,000 ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जहां पर एक साथ भारत के वैदिक और पौराणिक परंपरा की आधारशिला रखी थी, इस पावन धराधाम को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, याद करिए, 5 वर्ष पहले मैं आया था आपके बीच में और यही भूमि है। मैंने तब आपसे कहा था किसी ज्ञान तिवारी जी को विधायक बनाकर के भेजिए, यहां की बाढ़ की समस्या का समाधान करेंगे। और भाइयों बहनों, आपके सुयोग के विधायक ने, कर्मठ विधायक ने बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए और आज आजादी के बाद जिस समस्या का समाधान नहीं हो पाया था, श्री ज्ञान तिवारी जी के नेतृत्व में शेरता की उस समस्या का समाधान हुआ है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले जब हम लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर जाते थे तो यहां पे सुरक्षा का खतरा था। उत्तर प्रदेश के अंदर हम कहीं जाते थे तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह अराजकता थी, गुंडागर्दी थी। जिस भी कार्यकर्ता के पास जाते थे, परिवार की माताएं बहनें एक ही शिकायत करती थी कि बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, अन्नदाता किसान अपने खेत में नहीं जा पाता था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था, बाजार में व्यापारी अपने व्यापार को सुरक्षित माहौल में नहीं कर पाता था क्योंकि कब बमबाजी शुरू हो जाए, कब गैंगवार प्रारंभ हो जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन भाइयों बहनों, 5 साल के बाद जब हम लोग आज आपके बीच में आए हैं, 5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के को प्रचंड बहुमत की सरकार दी थी और 5 साल सत्ता में रहने के बाद जो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के इस चुनाव में हम आपके बीच में आए हैं, आज मैं आपसे कह सकता हूं इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं है। भाइयों बहनों, जिन बाजारों में पहले बमबाजी होती थी वहां पर बमबाजी भी नहीं, जहां कर्फ्यू लगता था आज वहां कावड़ यात्रा निकल रही है, जहां पर बमबाजी होती थी आज भाइयों बहनों बमबाजी नहीं, आज हर हर पम पम का नारा लगाते हुए कावड़ यात्री जब धूम धड़ाके के साथ निकलता है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शिव भक्तों की लहर उत्तर प्रदेश के अंदर भक्ति का सा माहौल बनाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई शक्ति का संचार करता हुआ दिखाई देता है। ये वही दंगाई कहां चले गए, उन्हें मालूम है क्या उत्तर प्रदेश में दंगा करेंगे तो बाप दादों की सारी कमाई सरकार जब्त कर देगी और उल्टे जेल में अलग से जाना पड़ेगा। आज प्रदेश में दंगा नहीं होता, आज प्रदेश में शांति का माहौल है,
प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। पहले होली और दीपावली आती थी, अंधेरा रहता था, बिजली की जातिवाद आती थी, मगर ईद और मुहर्रम है तो बिजली आएगी। और अगर होली और दीपावली रहती थी तो बिजली नहीं आएगी, यही तो होता था। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, जरा जोर से बोलिए, मिलती थी। आज को बिजली मिल रही होगी ना? आज को भेदभाव नहीं होता है ना? आज चाहे होली हो, दीपावली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, क्रिसमस हो, 24 घंटे बिजली रहती है। अगर यहाँ खुशी तो वहां भी खुशी, यहाँ सुरक्षा तो वहां भी सुरक्षा। 25 करोड़ जनता को सुरक्षा का माहौल देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आंध्र प्रदेश की बेटी बेखौफ स्कूल जा सकती है। आंध्र प्रदेश का व्यापारी प्रदेश के अंदर कहीं भी अपना व्यापार कर सकता है, उसको कोई भी न कोई धमकी दे सकता है, न उसे कोई गुंडा टैक्स वसूली कर सकता है, और हमारे नौजवानों की भविष्य के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पहले भाइयों बहनों, नौकरी आती थी, समाजवादी पार्टी का कुनबा, चाचा भतीजे का कुनबा निकल पड़ता था अवैध वसूली में। नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, भर्ती के नाम पर घोटाला होता था, न्यायालय उस पर स्टे करता था, भर्ती फिर रद्द हो जाती थी। भाइयों बहनों, आज तो प्रदेश के अंदर 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनने के कारण आज प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पे यहां पर आज कहीं कोई समस्या नहीं, निवेश हो रहा है, और निवेश का प्रतिफल हमारे नौजवानों को रोजगार के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में खुशहाली लाने का प्रयास हो रहा है, और उस खुशहाली के माहौल में भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश विकास के एक नई रफ्तार को पकड़ रहा था, उसी समय कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को घेरा। कोरोना महामारी के कारण दुनिया के अंदर लाखों की संख्या में मौतें हुई। हर मौत हमारे दुखद है, लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का बेहतर प्रयास किया गया। जीवन को भी और जीविका को भी बचाने का प्रयास हुआ, और सबके बावजूद प्रयास किया गया कि फ्री में टेस्ट हो, फ्री में उपचार हो, हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन भी मिले। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सीतापुर में, सेवता में कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? सड़क के इस पार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। कोरोना की तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। कारण है, आपने वैक्सीन ले ली थी, कोरोना आपका पार बाका नहीं कर पाया। भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये भाजपा वैक्सीन है, आज उनको जवाब दीजिए। अपने वोट की चोर से उनको जोरदार तमाचा मारिए और बोलिए कि अगर भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन से जान बची है तो वोट भी हमारा भाजपा को ही जाएगा। ये बोलेंगे। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है,
देने का काम भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सभी लोगों को मिल रहा है ना? क्या 2017 के पहले राशन मिलता था? 2017 के पहले बिजली मिलती थी? 2017 के पहले बाढ़ आती थी तो क्या इसी प्रकार की राहत सामग्री मिलती थी? भाइयों बहनों, यही फर्क है। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं थी, गरीबों के प्रति नहीं थी, नौजवानों के प्रति नहीं थी। और मुझे एक बात बताइए, अकेले सीतापुर जिले में 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 2,30,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। 2,30,000 गरीबों को, और अकेले सेवता में 27,000 गरीबों को एक एक आवास मिला है। भाइयों बहनों, 5,40,000 गरीबों को एक एक शौचालय मिला है। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये काम, शौचालय का काम, बिजली का काम, आवास का काम, ये राशन गरीबों को फ्री में मिले, वैक्सीन और दवा फ्री में मिले, ये काम 2017 के पहले क्यों नहीं हो पाता था? फर्क साफ है। याद करिए भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2017 के पहले जो सरकार थी उसकी संवेदना गांव के लिए नहीं थी, किसान के लिए नहीं थी, नौजवान के लिए नहीं थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं थी। भाइयों बहनों, उसकी संवेदना किसके प्रति थी? कल अहमदाबाद के एक न्यायालय के द्वारा उस आम फैसले से स्पष्ट हो जाता है, जिस फैसले में अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में दर्जनों लोग मारे गए थे, और जो आतंकवादी उस घटना को अंजाम देने वाले थे उसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे। उत्तर प्रदेश के आतंकवादियों में से आजमगढ़ का एक आतंकवादी, उसके पिता यानी उसके अब्बा जान समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। तो जो आतंकवादियों के प्रति जिसकी संवेदना होगी, क्या आप उसको समर्थन करेंगे? आखिर समाजवादी पार्टी ने 2012 में क्या किया था? जब आई थी उसने आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था। श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले, बरेली और बिजनौर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले, गोरखपुर और कानपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले जितने आतंकवादी थे, इन सभी के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने किया था। भाइयों बहनों, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति, लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने पहला फैसला किया था 86,00,000 किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। हमारी संवेदना अन्नदाता किसानों के प्रति थी, हमारी संवेदना नौजवानों के प्रति थी, हमारी संवेदना अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए थी, माताओं की सुरक्षा के लिए थी। और यही कारण है कि आज प्रदेश की हर माता हर बहन पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, जाति मत और मजहब की लाइन से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर भारी संख्या में मतदान कर रही है। प्रथम दो चरण के मतदान ने साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। और भाइयों बहनों, प्रचंड बहुमत की सरकार ही मजबूत सरकार होती है। मजबूत सरकार का मतलब
विकास की योजनाओं को लेकर के आने वाली, विकास के कार्यों को मजबूती के साथ करने वाली मजबूत सरकार का मतलब जिसके एक हाथ में विकास की छड़ी हो लेकिन दूसरे हाथ पर माफियाओं के छाती पर चढ़ाने के बुलडोजर का स्टेयरिंग भी हो, ये दोनों जब एक साथ चलेंगे तो विकास एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि विकास तो समझ में आता लेकिन बुलडोजर नहीं समझ में आया। मैंने कहा समझने में कुछ देर लगती है, क्योंकि भगवान राम ने क्या कहा था, निस्सरहीन करो वही भुज उठाए प्रण कीन। और भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा था कि परित्राणाय साधु नाम बिना सायच दुष्कृताम। और यही संकल्प लेकर के हम लोग भी निकले हैं। प्रदेश को अपराध मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना, हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को पहुंचाना, हर गरीब को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना। और इसके लिए जैसे पिछली बार सेवता से आपने श्री ज्ञान तिवारी जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा था ना, तो मैं फिर आया हूं वही समर्थन मांगने के लिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसको करके दिखाया। मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसने किया? भाइयों बहनों, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी? राम मंदिर का निर्माण तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही कराएगी ना, तो फिर समर्थन भाजपा को मिलना चाहिए ना। ये दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण कौन देगा? ये वे लोग देंगे जिन्होंने इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को टिकट दिया है। ये काम कोई करेगा, केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए, श्री ज्ञान तिवारी को भारी बहुमत से विजय बना के भेजेंगे। भाइयों बहनों, ये काम तब होगा जब चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान, पहला मतदान सभी लोग संकल्प लेकर के मेरे साथ बोलेंगे, सभी सहमत हैं, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके भारत माता की, भारत